उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और खुश होंगे। तो आज जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद आज जो हम करेंगे वो करेंगे डिवाइड अ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आज वो हम करेंगे और जितनी भी ये डिवीज़न होगी वो बेसिकली वन डिजिट नंबर के साथ होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड द फॉलोइंग 17.1 डिवाइडेड बाय 6। स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था 17.1 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने सिंपल डिवीजन करना है, ये आपने अंदर रखना है वैल्यू 17.1 और ये 6 बाय। अब आपने पहले इन दोनों के ऊपर टेबल पढ़ना है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो 18 ज़्यादा चला जाएगा तो 2 टाइम पढ़ेंगे, 6 2 12, ठीक है। तो 7 अब माइनस करेंगे, 17 में से 2 गया, 12 गया सॉरी, तो ये बचेगा हमारा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 6 का 5 से तो जाएगा नहीं टेबल, तो हम यहाँ पे डेसिमल देंगे क्योंकि इसके बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ भी डेसिमल देंगे। डेसिमल देने के बाद ये 1 जो है नीचे आएगा, ठीक है। अब आपने 6 की टेबल पढ़नी है तो ये हो जाएगा 6 8 ज़ा 48, ठीक है। 6 8 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा जी 48, माइनस करेंगे और ये होगा अब 51 में से 48 माइनस करेंगे, तो 1 तो 8 से माइनस नहीं होगा, तो ये यहाँ से 5 में से 1 बोरो करेगा, तो ये आपका 4 ही बचेगा। तो 11 में से 8 गया तो ये आपका 3 बचेगा। अब क्या करना है जी, अब आपने डेसिमल दे दिया है, अब आपका रूट ही होता है तो आप यहाँ पे 0 दे दोगे, तो अब 6 की टेबल में 30, तो 6 5 30 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, तो ये हमारा जी आंसर आ गया 2.85, ठीक है। जब हमने 17.1 से डिवाइड किया 6, तो हमारा आंसर आ गया 2.85। इस तरीके से हमारे जी ये क्वेश्चन होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.8 डिवाइडेड बाय 5। 1.8 डिवाइडेड बाय 5, अगेन 1.8 आपने अंदर दिया और 5 के साथ। अब इसका रूल क्या होता है, आपका रूल ये है कि 1 के पे ऊपर 5 का नहीं जाएगा, तो आप 0 देकर, डेसिमल देकर इनको आपने होल बना देना है। अब आपके पास 1.8 नहीं है, अब आपके पास 18 है, तो आप अब 5 की टेबल 18 के ऊपर लगाओगे, तो 5 3 15, 5 4 20 बढ़ जाएगा, तो 3 टाइम लगाएंगे, 5 3 15, ठीक है। 18 में से 15 गया तो 3 बचेगा। अब 3 की टेबल नहीं जाएगा, अब वही रूट जो पिछले हमने अप्लाई किया था, आप यहाँ पे 10 दे दोगे, तो 5 3 5 6 30, तो रिमाइंडर आपका 0 बचा, तो आपका आंसर क्या आया 0.36, ये आपका आंसर आ गया 0.36। एक और क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.37 डिवाइडेड बाय 4। तो ये है जी 9.36 डिवाइडेड बाय 4, वही होगा 9.36, आपने 4 के साथ डिवाइड करना है, तो 4 2 8, माइनस 9 में से 8 क्या 1 बचेगा, ठीक है। डेसिमल है यहाँ, तो आपने यहाँ पे डेसिमल लगाकर 3 नीचे उतारना है, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, तो आपके पास क्या बचेगा 1, अगेन आप 6 नीचे उतारोगे तो 4 4 16, तो आपका आंसर आ गया 2.34 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 6.28 डिवाइडेड बाय 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6.28 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 6.28 हमने अंदर रखा 4 के साथ, तो 4 6 पे पहले जाएगा, तो 4 1 4, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, डेसिमल है इसके बाद, तो हम यहाँ ऊपर डेसिमल दे देंगे, तो उसके बाद हम 2 नीचे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 20, ठीक है। अब 22 में से 20 गया, तो हमारे पास 2 बचेगा, उसके बाद हम 8 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 4 7 28,
तो ये जी आपका आंसर आ गया 1.57, मतलब 6.28 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, हमारा आंसर आएगा 1.57। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 0.72 डिवाइडेड बाय 2, 0.72 डिवाइडेड बाय 2, हम आ जाते हैं जी 0.72, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। अब आपने देखना है कि 2 की टेबल 0 पे भी नहीं जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट देकर अब हम इसको कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, 7 की तरफ, तो 2 3 6, ठीक है, 1 बचेगा, 2 हम नीचे उतारेंगे और 2 6 12, तो हमारा जी आंसर आ गया 0.36, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच इज दी लास्ट क्वेश्चन, या फिर कर लेते हैं हम बाकी भी, ठीक है, तो ये है 5.62 डिवाइडेड बाय 2, 5.62 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.62, ठीक है जी, 2 बाहर, 2 2 4, 1 बचेगा, डेसिमल देकर हम 6 नीचे उतारेंगे, तो 2 8 16, ठीक है, उसके बाद 0 बचेगा, तो 2 हम उतारेंगे, 2 1 2, तो हमारा आंसर आया 2.81। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 96.20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जी 96.20 डिवाइडेड बाय 2, तो जी 96.20 हमने लिखा, 2 होएगा, तो ये हम पहले इसके साथ करेंगे, तो 2 4 8, 1 बचेगा, 6 नीचे उतारेंगे, 2 8 16, ठीक है, उसके बाद हम डेसिमल देंगे, 2 नीचे उतारेंगे, 2 1 2, अब ये जो 0 बचेगा ये हम ऊपर दे देंगे, ठीक है, ये नीचे नहीं उतारेंगे, हम ऊपर दे देंगे, तो हमारा इसका आंसर रहा 48.10, 48.10, 0 शुड बी लुक लाइक 0, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 10.11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये है जी 10.11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हम लिख लेते हैं 10.11 डिवाइडेड बाय 3, सबसे पहले इसके ऊपर जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, डेसिमल देकर अगेन हम 1 उतारेंगे, अगेन 3 3 9, ठीक है, तो ये हमारे पास 11 में से 2 गया, तो 11 में से 9 गया, तो 2 बचेगा, 1 नीचे हम उतारेंगे, तो ये पूरा जाएगा 7 3 21, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका आंसर आया क्या 3.37, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, दिस इज दी 40.05 डिवाइडेड बाय 5, तो ये है जी 40.05 डिवाइडेड बाय 5, तो लिख लेते हैं 40.05, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो यहाँ सिंपली 40 पे 5 का टेबल जाता है, 5 8 40, ठीक है, 0 आएगा, ये डेसिमल हम ऊपर देंगे, अगेन 0 नीचे आएगा, तो इसके कोई ये जो 0 है ये 0 हम ऊपर देंगे, ठीक है, नीचे हम नहीं देंगे, उसके बाद 5 हम नीचे उतारेंगे, तो 5 1 5, तो हमारा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 8.01। तो डिवीजन थोड़ी सी इजी है, अगर आपको बेसिक डिवीजन पता है तो आप उस तरीके से आप ये आपको ये इजी हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी 4.6 पे, जितने भी 9 क्वेश्चन आएंगे वो मैं सारे अब जो है नेक्स्ट वीडियो में वो मैं सारे करवाऊंगी, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि ये इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे कैसे हो रहे हैं, इसमें एडिशन ये कैसे पता चले, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली ज़रूर कमेंट सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, शायद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ आपको सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।